अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या। तो दोस्तों आज आपकी डेट हो चुकी है 27 नवंबर 2019 की, हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। और आप सभी का दोस्तों स्वागत है लाइव कोर्ट अपडेट में। तो दोस्तों फिलहाल अभी लाइव कोर्ट अपडेट आज दोपहर 3:15 से शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की सुनवाई का समय जो है 3:15 से सुनवाई होगी। तो आज आप लोग फिर से हमारे साथ 3:15 PM से ऑनलाइन हो जाइएगा, तो आपको कोर्ट की पल पल की अपडेट मिलेगी दोस्तों। और देखिए वीडियो के अंत में हम आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे देंगे, उस लिंक के माध्यम से आप सीधे लाइव कोर्ट अपडेट एक्सेस कर पाएंगे। हो सकता है अगर आप लोग हमारी वीडियो बाद में देख रहे हो, तो अगर आपको चाहिए होगी कि यार लाइव कोर्ट अपडेट क्या चल रही है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइएगा, नीचे देखिएगा लिखा रहेगा, यहाँ से देखिए लाइव कोर्ट अपडेट। बस आपको वहाँ पर क्लिक करके जो पेज खुलेगा उसी को आप क्या करेंगे, बार बार रिफ्रेश करते रहिएगा, तो आपको दोस्तों लाइव कोर्ट अपडेट ये सब सबसे पहले मिलती रहेगी। अब दोस्तों बात करेंगे, काफी बच्चों के मन में डाउट्स आ रहे थे कल आखिर हुआ क्या, कल की सुनवाई कितनी असरदार जाने। जी हाँ दोस्तों, आज की सुनवाई, फिर दोस्तों बात करेंगे आज की सुनवाई कहाँ से शुरू होगी, फाइनल कट ऑफ क्या होगी। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बच्चे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है उनको यही जानना है कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए सबको कोर्ट अपडेट तो दोस्तों चाहिए होगा, अभी तक आपने 60-65 टीम को लगातार सुना, जैसा भी रहा 260-265 की अपडेट कंप्लीट हुई, उसके बाद 240-245 की अपडेट अब शुरू होगी आपकी शुरू से लेकर अंत तक। देखिए दोस्तों एक और कुछ बड़ी अपडेट्स आज निकल कर आए उनको देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपको कट ऑफ को लेकर। किटेट सीटेट में छूट का लाभ नहीं, संशोधन संभव नहीं हो पाएगा, 50% अंकों की अनिवार्यता का मामला। जी हाँ दोस्तों, जो बीएड वाला मामला आया था भी आपने देखा होगा, तो अब काफी देर हो चुकी है, मतलब इस बार तो नहीं हो पाएगा, आने वाले टाइम में आपको मिलेगा इसका छूट। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे वसूली करने वाले डीएलएड कॉलेजों की संबद्धता छीनेगी, पीएनपी कर रही है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद एक और बड़ी अपडेट, यूपीटेट 2019 डीएम एसपी और शिक्षा विभाग को सौंपा गया टेट का जिम्मा, डबल लॉक में रखे जाएंगे आपके प्रश्न पत्र खोलने की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये सब काफी चीजें की जाती हैं, आपने देखा होगा जब सुपर टेट का पेपर हुआ था 6 जनवरी 2019 को, तो एक अफवाह काफी ज्यादा फैली, आपको बता दें कि वो बात आपको आज भी याद होगी। उस दिन दोस्तों ये मैटर चल रहा था कि आपका पेपर लीक हुआ, सभी पक्ष यही कह रहे थे, जो भी पक्ष आप कह सकते 40-45 समर्थक टीम थी, तो उन्होंने कहा पेपर लीक का मामला काफी चला था, व्हाट्सएप पर वायरल हुआ ये हुआ। देखिए दोस्तों पेपर लीक का मामला इसलिए वायरल किया जाता है जिससे कि कोर्ट में तुरंत जो शिक्षक भर्ती है उसमें स्टे लगाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस समय आप सोचिए कि अगर 6 जनवरी 2019 को उस समय अगर ये मामला ना चलता, वायरल ना होता, तो आपके जो शिक्षक भर्ती थी इसमें स्टे नहीं लग पाते इतनी आसानी से। सिर्फ कट ऑफ को लेकर दोस्तों स्टे लगना ये काफी मुश्किल हो जाता, लेकिन फिर से जैसे यूपी टेट का पेपर आ रहा है, तो दोस्तों सरकार नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार की यहाँ कोई गलती की जाए। जो आप सोच रहे होंगे यार कितने हाई लेवल का पेपर कि डीएम एसपी और शिक्षा विभाग को सौंपा गया टेट का जिम्मा, तो दोस्तों एक काफी बड़ी बात होती है कि पूरा विभाग आपका लग जाएगा कि यूपी टेट का पेपर होने वाला है, एक भी चूक ना होने पाए। जी हाँ दोस्तों, जब डीएम की निगरानी में कोई चीज होगी तो चूक की तो कोई गुंजाइश होती ही नहीं, बचती ही नहीं है, तो फिर तो आपका पेपर का लेवल काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगर कोई मैसेज वायरल होता है तो फिर वो व्यक्ति पकड़े भी जाएंगे, नहीं तो दोस्तों या तो डीएम पर काज गिरेगी या उस बंदे पर या उस व्यक्ति पर काज गिरेगी कि यार तुमने शिकायत कैसे की, झूठ की या सच की। तो दोस्तों इस बार जो आपका पेपर का लेवल होगा ना, इस बार देखिएगा सवाल उठाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि डीएम जी एसपी जी सभी लोग साथ में लग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपकी आज की सुनवाई का समय, दोस्तों हमने देख लिया कि सुबह दोपहर में मतलब 3:15 से आपकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों कल की सुनवाई कितनी असरदार जाने, देखिए हमने 40-45 टीम को भी सुना, 60-65 को भी आपने सुना होगा, दोनों टीम को आप भी सुनते हैं, हम लोग भी एनालाइज करते हैं कि कैसे क्या हो रहा, सभी टीम अपना तर्क देती है कि कैसे रहा। देखिए 40-45 टीम ने भी खुद कहा कि नहीं हमारी टीम काफी मजबूती से अपना पक्ष रख रही है। अगर कोई 40-45 समर्थक इस वीडियो को सुन रहा है तो उनकी टीम को दोस्तों देखिए सभी को होता है कि हम अपनी टीम को मोटिवेट कर सकें। देखिए कोई जीतता वही जहाँ पर पूरा एक टीम बनती है, आपको क्या लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 40-45 या 60-65 किसी एक वकील साहब के दम पर जीता जाएगा क्या? जी नहीं दोस्तों, ये टीम वर्क है, जिनका टीम वर्क जितना अच्छा रहेगा दोस्तों उन्हीं की जीत होगी, सिंपल सी बात आपको ये समझना है। तो यहाँ पर देखिए वन टाइम पैसे लग रहे, काफी बच्चों ने ये भी सोचा होगा यार पैसे लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सबसे बात अलग की है, लेकिन दोस्तों अगर पैसे लेकर अगर अपनी टीम को जिता दें वो ज्यादा बेटर होता है, चाहे कोई भी टीम हो, चाहे 60-65 हो, चाहे 40-45। मेन बात होती है दोस्तों रिजल्ट क्या रहा, आप लोग साल भर भले तैयारी करते हैं, कोई हो सकता है किसी कॉलेज की फीस 100 रुपये रही हो, किसी कॉलेज की फीस 10 लाख रुपये रही हो, लेकिन दोस्तों लास्ट में देखते हैं क्या है कि रिजल्ट में पास लिख के आ रहा है कि फेल लिख के आ रहा है। तो दोस्तों हमें उससे मतलब होता है, चाहे 100 रुपये पैसे दें आप, चाहे 10 लाख रुपये दें, रिजल्ट में पास लिख कर ही आना चाहिए, तो हमारा लगता है कि यार पैसा हमारा सफल हो गया, सक्सेस था।
ठीक है, वही चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी होती है कि जैसे आपका कोर्ट केस चल रहा है, सभी को ये चाहिए कि हमें लास्ट में हमें जीत मिले। और आपको तो पता है जीत से कितना फर्क पड़ेगा। देखिए कल की जो सुनवाई हुई उसमें दोस्तों बातें ये ज़्यादा कही गई, फिर से उसको डिफाइन किया जा रहा बार बार कि शिक्षा मित्रों के पास ये अंतिम मौका है। शिक्षा मित्र पक्ष ने क्या कहा है 40-45 टीम में कि शिक्षा मित्रों के पास एक अंतिम मौका है, ठीक है, कि इसके बाद उनको वेटेज नहीं मिल पाएगा। जो 25 अंक का भारांक है, घूम फिर कर बात दोस्तों भारांक पर आ जाती थी और 68,500 शिक्षक भर्ती पर आई। देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 में क्या लेना देना है, इसको भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको इस तरह समझ लीजिए दोस्तों कि जब 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जो दोस्तों समायोजन निरस्त किया गया था, तो मतलब साफ था दोस्तों कि उनका समायोजन एक साथ ही निरस्त किया गया था। ऐसा नहीं था दोस्तों कि इसमें दो पार्ट में डिवाइड करके निरस्त किया गया हो, जिसे आपने देखा होगा कि सरकार ने यह कहा था कि 68,500 करके दो वैकेंसीज लाएंगे। ठीक है, पहले इस बात को आप समझ लीजिए आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि दोस्तों आप लोग मिसगाइड काफी होते हैं। अगर आपको सच्चाई नहीं पता है तो फिर समझ जाइए कि आप लोग आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, उसके बाद फिर तो कहेंगे यार जीत उनकी कैसे होगी, हमारी कैसे नहीं हुई। तो आपको हर एक छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देखिए जो आपका समायोजन निरस्त किया गया था उस समय तो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का था। अब फिर दोस्तों बात होती है जैसे कि 40-45 टीम क्या वहाँ पर स्पष्ट कैसे करते हो, कैसे जीते उन्होंने, उनको डिफाइन करने में जस्ट आपको सक्सेसफुल हो जाते हैं कि नहीं इतने शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया गया था, पूरी वैकेंसी एक है, तो दोस्तों उसके दम पर वो जीत गए थे सिंगल बेंच में। अब दोस्तों सेम जो उन्होंने वहाँ पर कहें कि ट्रिक थी उनकी या जो भी उनकी बातें कही गई, वो फिर से दोस्तों ये डबल बेंच में उन्होंने दोहराया। तो जस्ट आप देखिए क्रॉस क्वेश्चन जरूर किए थे लेकिन ये सेटिस्फाई करने में संतुष्ट रहे। जी हाँ दोस्तों, होता है क्या ना, आपसे अगर 100 क्वेश्चन हम करते, अगर आपने 100 के 100 प्रश्न को उत्तर कर दिया तो हम तो सोचेंगे यार आप तो बहुत ही होशियार हैं, समझ रहे। अगर हमने आपसे एक ही क्वेश्चन किया, अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाते फिर आपको भले ही कितना ज्ञान हो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो दोस्तों यही बात होती है कि जो उनकी अपडेट निकल कर आई टीम रिजवान अंसारी की तरफ से, उन्होंने खुद ही कहा कि भाई हमने जो भी क्वेश्चन किए गए हमें स्पष्ट किया। तो दोस्तों अगर हम उनकी बात में सच माने तो फिर उनका केस अभी भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। जी हाँ दोस्तों 40-45 समर्थक में भी जो है उनका केस काफी स्ट्रॉन्ग है, 60-65 का भी दोस्तों केस स्ट्रॉन्ग है अभी इस समय तक। क्योंकि दोस्तों देखिए आप इसमें सरकार खुद भी इंटरफेयर करती है, कि मतलब सरकार खुद भी इसके निगरानी में कि यार आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि सरकार ने खुद ही कहा था, आपने देखा होगा यूपी गवर्नमेंट की योग्यता के साथ वो किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। अगर समझौता करना ही होता दोस्तों अब तक 40-45 में नौकरी दे दी गई, इनसे सिंगल बेंच का फैसला तो हो चुका था, अब तक तो ये वैकेंसी फाइनल हो जानी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद अब मामला डबल बेंच में आया, तो डबल बेंच में मतलब दो जज साहब हैं, तो पिछली बार दोस्तों एक जज साहब ने देखा था, इस बार दो जज साहब देख रहे हैं। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि लास्ट में आखिर जीत कितनी होगी। तो इस बार तैयारी दोस्तों काफ़ी अच्छी हो रखी है। तो फाइनल कट ऑफ को लेकर दोस्तों बस इतना ही कहना है कि आज की सुनवाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जो कल की सुनवाई हुई थी उसमें ज़्यादा समय मिला नहीं था 40-45 टीम को, मुश्किल से 25 मिनट की बात कही जा रही है, तो 25 या 30 मिनट तक उनको समय दिया गया। दोस्तों वो काफ़ी कम समय होता है, अगर आज अगर आपकी सुनवाई होती है प्रॉपर, मतलब 2:15 बजे से तो नहीं हो पाएगी, अगर 2:15 बजे से 4 बजे तक या 4:30 तक होती तो मतलब 2-2.5 घंटे का समय मिलता तो आपकी प्रॉपर सुनवाई हो पाती। तो फिलहाल अभी आपकी सुनवाई सही से हो नहीं पा रही है, मतलब होता है ना कि थोड़े से समय में सुनवाई हो रही है, जबकि ये मामला 4 लाख बच्चों का है, तो इसके लिए कम से कम दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों का नुकसान ज़्यादा होगा। अगर ये गलती होती है कट ऑफ फाइनल करने में तो दोस्तों तकरीबन 30-35 हज़ार बच्चों का जबरदस्त नुकसान होगा, जिनको नौकरी मिल सकती थी वो नौकरी नहीं ले पाएंगे। और तो दोस्तों इसमें समय इनको प्रॉपर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों वाली अपडेट्स पहले देख लेते हैं आप लोगों के लिए जो आई थी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 29 जुलाई 2011 से पूर्व बीएड करने वालों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए स्नातक और परास्नातक में 50 अंकों की अनिवार्यता में छूट तो दे दी है, लेकिन अगले महीने होने वाले टेट और सीटेट में इसका लाभ अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बस इतनी अपडेट थी कि जो अभी अगले महीने में आपका सीटेट और टेट का पेपर हो रहा है यूपी टेट, उसमें ये 50% वाली बात कही उसमें ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे वसूली करने वाले डीएलएड कॉलेजों की संबद्धता छीने जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्जी की वसूली करते हैं, देखिए किस किस बारे से लेते हैं सुविधा शुल्क। देखिए प्रतिवर्ष डीएलएड की फीस 41,000 या पहले लिखा है, निजी कॉलेज इसके अलावा उपस्थिति लगाने के प्रतिवर्ष 10-25 हज़ार रुपये ले लेते हैं या अधिक रुपये लेते हैं। शिक्षण शुल्क दोस्तों 15-30 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आई कार्ड सेमेस्टर परीक्षा का फॉर्म भराने से लेकर परीक्षा में नकल कराने की सुविधा के नाम पर बहुत से पैसे ऐठे जाते हैं। तो उस पर दोस्तों आपकी पीएनपी की नज़र बनी है। अब दोस्तों देखिए वो क्या रहा, देखिए यहाँ पर हम बता दें कि देखिए यूपी में डीएलएड कॉलेज चलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या एनसीटीई से मान्यता के साथ प्रदेश सरकार से संबद्धता लेनी होती है। संबद्धता परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जारी करता है।
संबद्धता वापस होने पर कॉलेज का संचालन नहीं हो सकता। वसूली की शिकायत पर गाजीपुर के दो कॉलेज हैं, मेरठ के कौसाम्बी के व देवरिया। जी हाँ दोस्तों, के एक एक कॉलेज की संबद्धता समाप्त करने की संतुति संबंधित जिले के डायट प्राचार्य व डीएम से मिली है। तो दोस्तों देखिए, अब भाई इनकी हो सकता है कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। देखिए आजकल क्या ना, वीडियो का जमाना है, मतलब वीडियो का मतलब क्या, यूट्यूब टिकटॉक और काफी दोस्तों प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप उसकी एक वीडियो बना लेते हैं, समझिए दोस्तों कि अगर आप कॉलेज में पैसे देते हुए या घूस ही दे रहे हैं, आपने कुछ बच्चे होते हैं कि भाई क्या हम वीडियो बनाने के पर्पज से पैसा दे रहे हैं, और कुछ बच्चे होते हैं कि भाई वो गरीबी की वजह से डरा धमका उनसे ले लिया जा रहा जबरदस्ती से। होते ना कुछ बच्चे बहुत सीधे होते हैं, उनसे जबरदस्ती ले लिया जाता है लेकिन वो मन से नहीं देना चाहते, तो कुछ बच्चे वो तैयारी करके वीडियो बना लेते हैं। अगर दोस्तों आप वही वीडियो क्लिप जाकर अपने डीएम को एसपी साहब को देंगे जाके अपने जिले में, तो किस बात के वो पैसे ले रहे हैं उनको डिफाइन करना पड़ेगा ना। रसीद तो दिया नहीं आपने, पैसे तो एक ही बार जमा होते हैं, आपको पता है एडमिशन से पहले आपको 41,000 जमा करना पड़ता है, उसमें तो किसी प्रकार की भाई किसी को छूट नहीं मिलती। ये तो भाई डीएलएड का कुछ अलग ही रूल है, और जगह तो होता है ना कि भाई 10,000 आदि तो कल 5,000 दे देना, ऐसे कर करके साल भर फीस जमा होती है, लेकिन डीएलएड में तो एक साथ पूरा पैसा लिया जाता है। तो कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, बच के रहिए कॉलेज वालों। तो जो अगर आप कॉलेज चलाते हो तो दोस्तों वीडियो को अपने डीएलएड या अपने दोस्तों तक कर दीजिए शेयर, जिससे उनको थोड़ा अवेयरनेस मिले तो उनको भी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, और डीएम एससी और शिक्षा विभाग को सौंपा गया है टेट का जिम्मा। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, 2,50,000 में रखे जाएंगे आपके प्रश्न पत्र। मतलब दोस्तों इस बार आपका जो पेपर होगा ना, 16.5 लाख जो बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, तो उनके साथ दोस्तों एक तरह से ये न्याय होगा, क्योंकि लास्ट टाइम दोस्तों जो बच्चे अफवाह फैलाते हैं कि पेपर लीक हुआ ऐसा कुछ हुआ, तो इस बार पूरी जिम्मेदारी वहाँ के डीएम साहब के ऊपर आएगी। अगर मान लेते कि मामला लखनऊ से आता है तो वहाँ पर लखनऊ के डीएम की पूरी जिम्मेदारी होगी कि पेपर लीक हुआ कैसे आखिर। तो इस बार दोस्तों इतना आसान नहीं होगा किसी पर उंगली उठा देना, ठीक है ना। तो इस बार इतना आसान नहीं होने वाला, तो और लेकिन देखते हैं क्या होता है, अफवाह फैलाने वाले तो फैलाते रहेंगे, तो आपको अफवाह से सावधान रहना है। तो दोस्तों जैसे लाइव कोर्ट सेशन आपका शुरू होता है, सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए लाइव हो जाएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, और दोस्तों 3:15 बजे से जुड़ना मत भूलिएगा, और तब तक आराम करिए, मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।